नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप गुलेरिया, एक बार फिर से हाजिर एक बहुत ही प्यारे घर के साथ। तो आज का जो हमारा घर रहने वाला है 4 BHK हाउस रहेगा, इंडिपेंडेंट हाउस रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्त को रिक्वेस्ट करूंगा, एलिवेशन दिखाएंगे आपको वो। तो इस तरह से इसका जो है बहुत ही प्यारा एलिवेशन आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है। फ्रंट लुक की अगर आप बात करेंगे तो आप देख सकते हैं टाइल वर्क आपको मैक्सिमम जो है यहाँ पे आपको दिखने वाला है, और लाइट वर्क आप ये देखिए, बहुत ही प्यारी लाइट वर्क जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आने वाली है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, फ्रंट लुक जो है वो पूरा मैक्सिमम मेजोरिटी जो है वो टाइल वर्क ही नज़र आएगा, चाहे हम पिलर्स की बात कर लें या हम फ्रंट वॉल की भी यहाँ पे बात करें। तो दोस्तों, बात कर ले अब घर के फ्रंट की भी, तो 21 फीट का इसका जो है वो वाइड फ्रंट रहेगा। अगर हम डेप्थ की बात करें तो 45 फीट की इसकी आपको डेप्थ मिलने वाली है। कुल मिला के साइज़ की बात करें तो 107 गज के साइज़ में आपको ये बहुत ही प्यारा 4 BHK हाउस। अब बात कर ली जाए लोकेशन की भी, तो सेक्टर 123 एडजॉइनिंग एयरपोर्ट रोड, हार्डली हम ये कह सकते हैं कि 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस पे आपको ये शानदार घर यहाँ पे मिलता है। अब बात कर लें इसकी फेसिंग के भी, तो नॉर्थ फेसिंग अपना ये घर रहने वाला है। तो एक बहुत ही प्यारे एलिवेशन के साथ और एक प्राइम लोकेशन पे हम ये कह सकते हैं घर आपको यहाँ पे मिलता है। आइए अब आपको घर का हम टूर पे करवाते हैं। तो दोस्तों, बात कर लीजिए अपने पार्किंग एरिया की भी, तो आप ये देख सकते हैं पार्किंग स्पेस काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है यहाँ पे, अपनी गाड़ी जो है इजिली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। स्टेयर्स के नीचे भी आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे अपना सिलेंडर या इन्वर्टर यहाँ पे रख सकते हैं। गैस पाइपलाइन भी आपको यहाँ पे लगा के दी जा रही है। और इस तरफ दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पे भी स्पेस काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल जाता है, टू व्हीलर पार्किंग यहाँ पे आप इजिली कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ये देखिए टाइल वर्क जो है, जैसे कि मैं आपको आउटर बाहर से भी दिखा रहा था, तो टाइल वर्क जो है पूरे ही घर में आपको फ्रंट में मिलने वाली है। वेलकम वॉल ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको जो है वेलकम वॉल यहाँ पे मिलती है। डोर्स की बात करेंगे तो मैश डोर आप ये देख सकते हैं, इस तरह से डिजाइनर मैश डोर मिलेगा आपको, और घर के एंट्री पे भी फॉल सीलिंग जो है वो आपको मिल जाती है। और इधर बात कर लें मेन डोर की, तो मेन डोर आप ये देख सकते हैं 8 फीट हाइट का डोर मिलेगा डिजिटल की लॉक फैसिलिटी के साथ। तो अब ये चलते हैं आपको ड्राइंग डाइनिंग एरिया में भी। तो दोस्तों, ड्राइंग डाइनिंग एरिया आप ये देख सकते हैं, काफी स्पेशियस आपको ये जगह मिल जाती है। तो दोस्तों, बात कर लें इस जगह की, तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा वॉल आप ये देख सकते हैं, डिजाइनर वॉल आपको मिलती है यहाँ पे, और ऊपर भी देख सकते हैं फॉल सीलिंग जो है बहुत ही प्यारे डिजाइन में आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो इस तरफ अगर हम बात करें तो एक विंडो हमें दी जा रही है, जिसमें आपको जो है मैश विंडो और ग्लास विंडो दोनों ही मिलती हैं, ताकि घर के अंदर ड्राइंग रूम में भी आपको सनलाइट और वेंटिलेशन प्रॉपर मिले आपको। और इधर आप ये देख सकते हैं, इस तरह से आपको जो है वुडन वर्क भी यहाँ पे मिल जाता है। तो आइए दोस्तों, अब ये चलते हैं आपको आपके मॉडुलर किचन की तरफ। तो मॉडुलर किचन आप ये देख सकते हैं एल शेप में मिलेगा आपको, काफ़ी स्पेशियस किचन मिलने वाला है। ऊपर आप ये देख सकते हैं आपको जो है कैबिनेट्स मिलते हैं, हाइड्रोलिक जो है वो आपके कैबिनेट्स यहाँ पे रहेंगे, और नीचे जो है वो सॉफ्ट क्लोजर में आपके यहाँ पे ड्रॉर्स जो है वो मिलने वाले हैं। ड्यूल सिंक रहेगी यहाँ पे साउंड प्रूफ, और फिटिंग जो है वो किचन की यहाँ पे आपको लगा के दी जाएगी। इधर भी आपको एक विंडो का एक्सेस दिया जाता है, ताकि किचन में भी आपका सनलाइट और वेंटिलेशन प्रॉपर मिलता है आपको। तो ओवरऑल किचन आप ये देख सकते हैं, किचन में भी एक्सटेंडेड फॉल सीलिंग जो है आपको यहाँ पे लगा के दी जा रही है। तो आइए दोस्तों, लिए चलते हैं आपको अपने बेडरूम्स की तरफ। तो 2 बेडरूम्स हमें नीचे मिलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और 2 ही बेडरूम हमें फर्स्ट फ्लोर पे मिलते हैं। तो आप ये बेडरूम का स्पेस देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस आपको ये बेडरूम मिलता है। वॉलपेपर आप ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी वॉल जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ऊपर बात कर लीजिए फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग आप ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारे डिज़ाइन में फॉल सीलिंग जो है वो मिल जाती है। बात कर लें अपने वॉशरूम की भी, तो काफ़ी स्पेशियस जो है वॉशरूम मिलेगा आपको, नीचे एंट्रेंस के टाइल्स और फॉल सीलिंग हाई टाइल्स रहेंगी आपकी, और सारी वॉशरूम फिटिंग जो है वो लगा के यहाँ पे दी जाएंगी। और इस तरफ आप ये देख सकते हैं फॉल सीलिंग हाइट आपकी जो है वो अलमीरा रहेगी स्लाइडिंग डोर्स के साथ। और इधर आप ये देख सकते हैं आपको जो है LED पैनल यहाँ पे लगा के दिया जा रहा है। तो आइए दूसरे बेडरूम में भी आपको लिए चलते हैं। तो दूसरे बेडरूम का भी स्पेस आप ये देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस आपका ये बेडरूम भी रहने वाला है। बात करेंगे ऊपर अपने फॉल सीलिंग की, तो बहुत ही प्यारे डिज़ाइन में फॉल सीलिंग मिलती है। वॉल आप देख सकते हैं, डिजाइनर वॉल आपको यहाँ पे लगा के दी जा रही है। वॉशरूम का साइज़ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस जो है वॉशरूम आपको मिलता है यहाँ पे, नीचे एंड इसके टाइल्स फुल सीलिंग हाई टाइल्स रहेंगी। और अब दिखाना चाहूँगा आपको मैं अलमीरा भी, तो आप ये देख सकते हैं सिमिलर अलमीरा आपको यहाँ पे भी दी जा रही है, फुल सीलिंग हाइट, कैबिनेट ऊपर रहेंगे, स्लाइडिंग डोर्स, और नीचे आपको ड्रॉर्स मिलता है यहाँ पे। अब लिए चलते हैं आपको आपके वॉशिंग एरिया की तरफ। तो वॉशिंग एरिया का भी आप ये साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस रहेगा, और टैप फिटिंग्स और स्विचेस आपको यहाँ पर लगा के दिए जा रहे हैं। और इस तरफ भी आपको जो है LED पैनल यहाँ पे भी एक लगा के आपको दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा 2 BHK नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। अब ले चलते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे अगेन हमें 2 BHK मिलने वाला है।
दोस्तों बालकनी में जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे स्टेयर्स। तो इस तरह से आपकी जो है ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल की जो है वो स्टेयर्स रहेंगी। आपकी स्टेनलेस स्टील रेलिंग जो है वो यहाँ पे आपको लगा के दी जा रही है। आई ले चलते हैं आपको बालकनी एरिया की तरफ। तो दोस्तों बात कर ली जाए बालकनी की, तो काफ़ी स्पेशियस जो है वो बालकनी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इधर मैं दिखाना चाहूँगा आपको जो है स्टेनलेस स्टील रेलिंग जो है वो लगा के दी जा रही है। ग्लास यहाँ पे आपको लगा के दिया जा रहा है। अब बात कर लें नीचे अपने रोड की भी, तो 35 फीट की वाइड रोड आपको मिलती है और सराउंडिंग आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कोठियाँ जो है वो सारी सिमेट्रिक यहाँ पे मिलेंगी आपको। तो आइए अब लिए चलें दोस्तों आपको अपने फर्स्ट फ्लोर पे। दो रूम जो हमें यहाँ पे मिलते हैं, तो दोस्तों जैसे हम अंदर एंटर करेंगे तो एंट्री पे आप मैश डोर देख सकते हैं। मैश डोर आपको ऐसे मिलेगा। और मेन डोर की बात कर ली जाए तो मेन डोर आप ये देख सकते हैं इस तरह से आपको जो है 8 फीट हाइट का मेन डोर यहाँ पे मिलने वाला है। तो इधर भी हमें 2 BHK मिलता है। तो बात करेंगे अपने ड्राइंग डाइनिंग एरिया के, तो आप ये स्पेस देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस हमें यहाँ पे ड्राइंग डाइनिंग एरिया मिलता है। LED पैनल आप ये देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही प्यारे डिज़ाइन में LED पैनल यहाँ पे दिया गया है। और वॉल आप ये देख सकते हैं डिज़ाइनर वॉल जो है वो हमें यहाँ पे दी जा रही है। ऊपर बात कर लीजिए फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग आप ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारे डिज़ाइन में जो है वो फॉल सीलिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। इस तरफ दिखाना चाहूँगा आपको मैं बड़ा सा विंडो जो है वो मिल जाता है आपको, ताकि आपके घर के अंदर जो है वो सनलाइट और वेंटिलेशन प्रॉपर मिले आपको यहाँ पे। और इधर भी आपको मॉडर्न वर्क जो है वो देखने को मिलेगा। अब दिखाना चाहूँगा आपको मैं मॉडलर किचन जो आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलता है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं मॉडलर किचन आपका काफ़ी स्पेशियस रहेगा। एल शेप में किचन रहने वाला है। कैबिनेट्स आपको ऊपर यहाँ पे मिलते हैं। आप ये लाइट्स देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लाइट्स यहाँ पे आपको जो है लाइट वर्क जो है देखने को मिलेगा। नीचे बात कर लीजिए सेल्फ की, तो ग्रैंड बाबन की सेल्फ मिलने वाली है। बीच में यहाँ पे चिमनी का स्पेस आपको दिया जा रहा है। ड्रॉज की बात करें तो सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपके यहाँ पे डोर जो है वो रहने वाले हैं। और इधर आप ये देख सकते हैं ड्यूल सिंक आपको मिलती है और किचन फिटिंग जो है वो यहाँ पे आपको लगा के दी जा रही है। और किचन में भी आपको जो है एक विंडो दिया जा रहा है, ताकि किचन में भी आपका सनलाइट वेंटिलेशन प्रॉपर मिले आपको। 2 BHK हमारा यहाँ पे रहेगा फर्स्ट फ्लोर पे। तो बेडरूम्स की बात कर ली जाए तो बेडरूम्स आप ये देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस बेडरूम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फॉल सीलिंग देख सकते हैं बहुत ही प्यारे डिज़ाइन में फॉल सीलिंग मिलती है। वॉल देख सकते हैं डिजाइनर वॉल यहाँ पे दी जा रही है। और इस तरफ आप ये देख सकते हैं ड्रेसिंग टेबल बहुत ही प्यारा से यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। अब दिखाना चाहूँगा आपको मैं आपका वॉशरूम भी, तो वॉशरूम देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस रहेगा। नीचे एंटेस के टाइल्स फुल सीलिंग हाइट टाइल्स रहेंगी आपकी। और इधर अगर हम बात कर रहे हैं तो अलमीरा की, तो फुल सीलिंग हाइट आपकी जो है वो अलमीरा यहाँ पे रहने वाली है। ऊपर देख सकते हैं कैबिनेट्स आपको मिलते हैं, स्लाइडिंग डोर्स, नीचे आपको ड्रॉज मिलते हैं यहाँ पे। और इधर आप ये देख सकते हैं LED बल्ब यहाँ पे लगा के दिया जा रहा है। तो आइए दोस्तों ये चलते हैं आपको आपके सेकंड बेडरूम की तरफ। तो बेडरूम का आप ये साइज़ देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस आपको ये बेडरूम भी यहाँ पे मिल जाता है। बात कर लीजिए आप फॉल सीलिंग की, तो एक देख सकते हैं बहुत ही प्यारे डिज़ाइन में फॉल सीलिंग मिलती है आपको। वॉलपेपर आप ये देख सकते हैं एक डिज़ाइनर वॉल आपको यहाँ पे लगा के दी जा रही है। बीच में आप ये देखिए डिज़ाइनर वॉल है, साथ ही में आपको वॉलपेपर भी यहाँ पे दिया जा रहा है। और इस तरफ आप ये देख सकते हैं आपका जो है वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस रहेगा। नीचे एंटेस के टाइल्स फॉल सीलिंग हाइट टाइल्स रहेंगी आपकी। और वॉशरूम फिटिंग सारी लगा के दी जाएंगी। और इस तरफ आप ये देख सकते हैं आपको जो है मिरर दी जा रही है, फॉल सीलिंग हाइट, स्लाइडिंग डोर्स, कैबिनेट्स रहेंगे ऊपर साथ में। और नीचे आपको ड्रॉज जो है वो भी दिए जा रहे हैं यहाँ पे। इस तरफ आप ये देख सकते हैं आपका जो है LED पैनल आपको इस तरह से मिलता है। अब दिखाना चाहूँगा आपको जो बैक स्पेस में भी जगह यहाँ पे मिल जाती है, तो काफ़ी स्पेस आपको मिलता है यहाँ पे भी आपके बैक साइड एरिया पे। तो दोस्तों ये था हमारा 2 BHK फर्स्ट फ्लोर पे। अब लिए चलते हैं आपको घर की छत पे भी। तो दोस्तों आप ये छत का साइज़ देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस जो है वो छत यहाँ पे आपको मिलती है इस घर की। तो ये था हमारा 4 BHK 107 गज में बना हुआ एक प्यारा सा घर। लोकेशन जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया 123 सेक्टर नियर टू एयरपोर्ट रोड। और आप बात करें सराउंडिंग एरियाज़ की भी, तो वो हर चीज़ हमें यहाँ पे मिलती है जिसकी हम उम्मीद कर। वॉकिंग डिस्टेंस पे आपकी मार्केट रहेगी दोस्तों, स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारा साहब, कॉलेज, तो सब कुछ ही आपको यहाँ पे सराउंडिंग ही मिलने वाला है। अब बात कर लें चंडीगढ़ से डिस्टेंस की भी, तो हार्डली आप ये कह सकते हो कि 10 से 15 मिनट में आप यहाँ से चंडीगढ़ जो है वो कनेक्ट कर जाते हैं। तो बहुत ही एक शानदार लोकेशन के साथ, प्राइम लोकेशन के साथ आपका ये घर। अब बात कर लें दोस्तों डिमांड की भी, तो बिल्डर की तरफ से जो आस्किंग प्राइस है वो है 96,90,000, जो कि नेगोशिएबल रहेगा। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है एक बार ज़रूर इस प्रॉपर्टी को विज़िट कीजिए, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आने वाली है। अगर आपको ये घर पसंद आता है तो हम भी कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट आपको जो है वो रेट यहाँ पे दिलवाया जाए। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों हमारे नंबर जो हैं वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर्स हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और विज़िट का शेड्यूल कर सकते हैं। तो आज के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नई प्रॉपर्टी पर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।